बचे हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किलात, मौत के मुंह से निकाल के ला रहे हैं ग्वाल ढीमड़ी के खिलाड़ी। वाकई दर्शकों का दिल आपने जीत लिया है, मुठभेड़ करते हुए और पूरी तरीके से अपना विजय पताका लहराते हुए, क्योंकि उनको टक्कर देने वाली टीम आ चुकी है। रामनारायण को डिफेंस करने की कोशिश, और ये क्या, एक और गोल। अभी ढीमड़ी के पास मौका रहेगा पास करने का, और पापा के पास मौका, मौका यहाँ पर गोल करने का, और गोल कर दिया है, गोल कर दिया। 5-5 से बराबरी, 5-5 से बराबरी, कोई भी टीम को कम नहीं आंका जा सकता, दोनों ही टीमें बराबरी की टक्कर की कही जा सकती है, और बाकी वैसा ही फाइनल मुकाबला जैसा होना चाहिए। पास करते हुए राम नारायण पूरी तरीके से चूस्त और अंतिम रूप से बचाने में, पास करने में कामयाब, राम नारायण को रोकने में तो इस बार नहीं रोक पाए। राम नारायण पूरी तरीके से चीन की दीवार की तरह तैनात है, मौका आ गया पास करने का, एंटोनी के पास देखते हैं, पास करते जाते हैं, पापा के पास मौका यहां से कॉल करने का, और अंतिम रूप से कॉल, वाटे कॉल, एनर्जी, क्या एनर्जी है इस बंदे के अंतर्गत, तुरंत वहां से दौड़कर आना, मेरी आवाज से ज्यादा दौड़ तो उनके पैर लगा रहे हैं। यहाँ से राम नारायण से बचकर, थापा से बचकर उनको ये सरहद लांघनी पड़ेगी जिस पर वो तैनात है। मौका है उनके पास, देखते हैं पास कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन सभी के सभी खिलाड़ियों ने एक सुरक्षा चक्कर रच रखा है जिसको लांघना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों के लिए। एंटोनी के पास पास करने का, एंटोनी के पास मौका, देखते हैं गोल कर पाते नहीं कर पाते, राम नारायण के हाथ में क्या है, और गोल, और गोल। 8-5 से लीड करती हुई यहाँ से एंटोनी की टीम, पापा के पास मौका निकलने का, देखते गोल कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन गोलकीपर को लांग पाना बहुत ज्यादा, और रामनगर के पास मौका पास करने का, देखते गोल कर पाते नहीं कर पाते, और एक और गोल, एक और गोल। पूरी तरीके से निराशा के बादल छाए हुए ढीमड़ी के ऊपर, और कॉन्फिडेंस धोनी के खिलाड़ी, वाकई किसी मैच को इतना आसानी से वो नहीं जाने देते। हालांकि पहले हाफ में हमें लगा था कि ढीमड़ी बोल, लेकिन यहाँ पे एंटोनी से इस पदक को जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, गोल करने में बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। तो केवल 3.5-4 मिनट का गेम शेष रहा है, और इसमें युद्ध के अंदर, इस युद्ध संग्राम के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा डटकर मुकाबला करने की जरूरत है, करने की कोशिश रहेगी, लेकिन अंतिम रूप से उनके हाथ में गेंद भी बार बार बेवफाई करती हुई उनके हाथ से बार बार छिनती जा रही है। इस प्रकार से मुकाबला समाप्त हो चुका है, 16-6 से जीत दर्ज कर लिए यहाँ पर सेंट एंटोनी की टीम ने, दोनों ही 17 वर्षीय और 19 वर्षीय टीमों में विजय पताका लहरा चुकी है। तो पूरी तरीके से बधाई रहेगी उनको पूरे इस टूर्नामेंट परिवार की तरफ से, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में। Thank you.